गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डायनेमिक कंपनी हैज थ्री डिवीजन, ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। द बजटेड डाटा फॉर द कमिंग ईयर्स आर एज अंडर। ओके, द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू क्लोजिंग क्लोज डाउन द डिवीजन सी। ओके, there is no possibility of reducing fixed cost. ठीक है, advise whether or not division C should be closed down. Okay, चलिए friends इसको करते हैं। जब इन्होंने बोला है कि there is no possibility of reducing fixed cost, it means fixed cost दोनों ही cases में same रहेगी। तब हम comparison करेंगे contribution से। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। ये तीन प्रोडक्ट हैं हमारे, जरा लिख लें वैल्यूज कितनी है। सेल है हमारी 1,12,000, 56,000, 84,000, टोटल हो गई 2,52,000। वेरिएबल कॉस्ट में जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कितना है, 14,000, 7,000, 14,000। जो डायरेक्ट लेबर है वो है 5,600, 7,000, 22,400। एंड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी दिए हैं हमारे 14,000, 7,000, 28,000। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी 33,600, 21,000, 64,400। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा हाउ मच, 78,400, 35,000, 19,600, 1,33,000। देखिए, सो अब हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। वैसे यहां से आपको समझ में आ गया है कि ये फी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जब कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो इसको बंद करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ये 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है तब भी बंद नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी से समझा दूंगा। एक तो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और ये है इफ या इसको हम कहेंगे आफ्टर क्लोजिंग सी। यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स ए बी सी। तो यहां पर ए कंट्रीब्यूशन दे रहा है 78,400, बी दे रहा है 35,000 और सी दे रहा है 19,600। अगर हम बंद कर देंगे सी को तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिर सी से तो कुछ रहेगा नहीं। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 1,33,000 से रिड्यूस होके कितना बचेगा, 1,13,400। आपका डिसीजन यहीं पर हो गया।
कि क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर भी आप चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी कम कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट ओवरऑल दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगी, तो नेट प्रॉफिट आपका जो यहां पर 63,000 था वो 43,400 हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, एज द कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट रिड्यूस्ड इट इज नॉट एडवाइजेबल टू क्लोज सी। इसमें एक और है, एक लाइन और लिख सकते हैं, एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट सी इज अर्निंग कंट्रीब्यूशन इट इज नेवर बी एडवाइज्ड टू क्लोज दैट प्रोडक्ट। कभी भी एडवाइज नहीं है, क्यों भाई वो पैसे कंट्रीब्यूशन तो कमा ही रहा है तो उसको क्यों बंद करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।